हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सन 2020 के लिए जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी राय है आपकी तो आप में इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी बोल सकते हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिछले वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं वो रहे हैं अमर्त्य सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो महिला की अगर बात की जाए तो वो है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है। तो वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। यह है प्रथम महिला चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। तो इसका जो अनुपात है वो है 1:1:1, मतलब जो तीन पट्टियाँ हैं वो सभी बराबर के अनुपात में हैं, मतलब उनकी चौड़ाई मतलब लंबाई सब कुछ बराबर रहता है, तो 1:1:1 रहता है। अगर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात देखा जाए तो ये होता है 3:2। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताकत और साहस। जो केसरिया रंग होता है ये ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, मतलब तिरंगा जो है इसके ऊपर कौन रंग है सबसे ऊपर। तो ये है गहरा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। तो बीच में कौन सा रंग रहता है, तो इसका राइट आंसर है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरा। हरा रंग सबसे नीचे रहता है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, सबसे नीचे हरा। ये तो आप जानते होंगे, बीच में एक चक्र बना रहता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो कितना रहता है, 3:2। 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। जो सफ़ेद पट्टी है किस बात का संकेत है, तो इसका राइट आंसर है शांति और सत्य का। जो सफ़ेद पट्टी होती है बीच में तो ये किसका प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। तो हरा रंग जो है, जो सबसे नीचे वाला रंग है, क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो बीच में चक्र बना होता है सफ़ेद कलर का जो होता है, सफ़ेद पट्टी में ये चक्र बना होता है, उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।